भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सारी हिंसाओं के लिए कांग्रेस सरकार दोषी है। हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये पूछने के बजाय उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, सरकार को ये बताना चाहिए। अरुण साव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूछ रहे हैं कि बीरनपुर की घटना में आप लोगों ने जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा इस पूरे मामले में आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। देखिए, ये जो सारी घटनाएं हो रही है, इसका दोषी कोई है तो भूपेश बघेल जी हैं, राज्य सरकार है। और हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसके बजाय राज्य में आपकी सरकार है और सरकार फेल हो गई, ये मान लो आप, कितनी घटनाएं लगातार हो रही है और सामूहिक रूप से मिलकर भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है, उनके हत्यारे, सभी हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। तो आप तो मुख्यमंत्री हैं, सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय प्रश्न आप कर रहे हैं। भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को कब आप गिरफ्तार करेंगे, भुवनेश्वर साहू को न्याय कब मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही कि जितने इस घटना के बाद जितने भाजपा नेताओं ने ट्वीट किए हैं, उन सभी ट्वीट्स की जांच की जाएगी, जिसमें ऐसा कुछ भड़काव मिलेगा तो कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी कहा उन्होंने। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार यही हो रहा है कि भूपेश बघेल जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप तो भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को गिरफ्तार करने का काम करें, जितने लोगों ने हत्या की है वो सभी हत्यारों को जेल के अंदर डालें, ये काम आप कर लें। बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वीरनपुर की घटना के जो दोषी हैं उनकी पहले गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद भाजपा से सवाल किया जाए। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएस न्यूज़, रायपुर।